Assalamualaikum, you're welcome to my channel My Experience. जनाब माई एक्सपीरियंस में मैं ऑब्वियसली आपसे अपना हर एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है. मैं पहले भी वीडियोस देखी होंगी, उसमें मैंने आपको स्टिचिंग डिज़ाइनर वे स्टिचिंग बताई थी. और आज ये डिज़ाइनर है कि बहुत ही मशहूर, आप सबको पता होगा, सफ्यूज़ बाय सना यासिर थे. मैंने यहाँ से अपना ब्राइडल बारात का सूट था विद शॉल के साथ, तो वो मैंने ऑर्डर किया था. ये जी मैंने 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी तो तब मैंने ऑर्डर किया था. शादी के बाद ऐसे ही पैक पर आप किसी मुझे चाहिए था तो मैंने जनाब डब्बा खोला तो मुझे किसी फंक्शन में, मैं चलो मैं पहन लूँगी या वट एवर, मतलब कुछ भी मैं करने लगी हूँ. ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा ये कैसा एक्सपीरियंस रहा. ये मैंने जनाब अभी शॉपर से निकाला है अपना ये, और ये मेरा है डब्बा इस फ्यूज़ के ब्राइडल का. इसमें मेरे लहंगे और मेरा दुपट्टा और इनर मेरा वो पड़ा हुआ है. ठीक हो गया, अच्छा डिज़ाइनर था. मेरी बहन ने भी ब्राइडल यहाँ से सिलाया था, मुझे भी अच्छा लगा, मैंने यहाँ से ही अपना ब्राइडल ऑर्डर किया. लेकिन अब जब क्या हुआ, जब मैंने शादी पे पहले दिन पहना तो मेरी एल्बो से, मुझे ये थोड़ा फिटिंग में था, ठीक है, मेरी एल्बो से जो टिश्यू था, ये टिश्यू का फैब्रिक है, ये चिर गया यहाँ से भी और यहाँ से भी इस तरह हो गया. ठीक है, वो मैंने आज खोला था, मुझे याद है कि वो शादी पे तो ऐसे हो गया था, मसरूफियत ऐसी थी कि मैं दोबारा नहीं देने का, चलो जब पहनूंगी तब ऑर्डर कर दूंगी, गलती मेरी थी. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब मैंने उनको कॉल की तो पहले तो सुबह से मैंने उनको कॉल करी, वो मेरी कॉल नहीं उठा रही. अच्छा, और जब दोबारा उनके मुझे ना, मैंने कुछ तारफ कॉल की, मैं आपको अपनी पिक्चर शेयर करूंगी कि मैंने कितनी कॉल उनको, क्यों उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाई. मैसेज किया, सीन हुआ था व्हाट्सएप पे, मगर कोई रिप्लाई नहीं मुझे आया. उसके बाद जब मैंने उनको कहा कि मेरा इस तरह मेरी शादी है तो मुझे पहनना है तो आप मुझे जो है ना ट्यूजडे तक दे दीजिएगा, उन्होंने कहा कि जी हम तो करते ही नहीं है, हमारी तो पॉलिसी होती है 6 महीने तक हम करते, उसके बाद हम करते ही नहीं है. तो कहते हैं आप किसी अपने टेलर वगैरह से करा रहे इतने कम ड्यूरेशन में, वो भी आपको नहीं करके दे सकेंगे. मैंने उनको इतना कहा, मैंने कहा देखिए अगर मुझे किसी रफू वाले से रफू करवाना होता, किसी आम से टेलर को मैंने देना होता तो मैं यहाँ 8-10 लाख रुपए एक ब्राइडल पे मैं क्यों अपना वेस्ट करती. उन्होंने मुझे आगे से कहा कि जी हमारी तो पॉलिसी होती हम नहीं कर सकते, कहती कि आप, लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि हम आपको, हमारे पास भी सीज़न बहुत सता, हमारे पास रश है, हम आपको 3 से 4 महीने लगेंगे. मैंने कहा ये सिर्फ रफू करना है, ये कितना इंच है, 2-3 इंच का है. मैंने कहा ये रफू करना है, आपके पास ऑब्वियसली आपके पास इतना चलता है, इतना नाम है आपको, तो ऑब्वियसली आपके पास इतने लोग कारीगर होंगे जो आपका कर सकेंगे काम, तो अगर आप अपने क्या फ़ायदा एक 8-10 लाख के जोड़े को, जो मैंने जोड़ा जो इन्वेस्ट किया अपनी शादी पे पहनने के लिए, मुझे क्या फ़ायदा, इसे पता था मैं लिबर्टी वेयर या कहीं दूसरी जगह का पहन लेती कम से कम वो. हालांकि उनके पास इतने कारीगर नहीं होते जितने, ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा ब्रांड है, इसके कारीगर, इसके लग्जरी प्रेट है, इसके फॉर्मल्स हैं, हैवी फॉर्मल्स हैं, ब्राइडल्स हैं, हर चीज़ है, प्रेट है इनकी, तो इनके पास ज़्यादा कारीगर होंगे, ये मुझे कर सकेंगे, तो फिर मुझे क्या फ़ायदा. मैंने कहा मुझे क्या फ़ायदा आप 10 लाख का जोड़ा आप लोगों से बनवाने का, कि अगर आप लोग मेरे साथ इस तरह अकोमोडेट नहीं कर सकेंगे. इन्होंने मुझे कहा आगे से कि जी सॉरी हम नहीं कर सकेंगे. मैंने कहा एक निता इनकी है तो बहुत अच्छी थी, उन्होंने मेरा ऑर्डर लिया था और मेरी बहन का भी ब्राइडल लिया था. मैंने कहा उनका जी हम नंबर नहीं दे सकते उनका, साथ कोई एक और इनकी असिस्टेंट थी कौन थी वट एवर, मतलब कोई भी मुझे नहीं पता वो कौन थी. उन्होंने मुझे कहा कि जी उन्होंने भी बहुत बदतमीजी की, उसके बाद इन्होंने इतनी बदतमीजी से, काश मैं रिकॉर्ड कर सकती और मैं बताती कि ऐसा रूड बिहेवियर उनका था. इनके वॉइस मैसेजेस भी हैं, वो भी मैं आपको शेयर करूंगी लिंक में, कि इन्होंने क्या मुझे आगे से जवाब दिया, कितने मेरे कॉल्स की. अब आपको तो बताएं ये एक डिज़ाइनर आपका, ये कि आप एक होते हैं एक कस्टमर बिल्ड रिलेशनशिप, अपने कस्टमर से अच्छा बनाते हैं, एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो फिर आपके पास आता है. मैंने इतना भारी जोड़ा आकर बनाया और मुझे मौके पर पहनना ही ना नसीब हो तो फिर क्या फ़ायदा ऐसा, ऐसी इनकी पॉलिसी का, इतना महंगे जोड़ों पे इन्वेस्ट करने का. तो मैं आपको अपने बाकी कपड़ों भी दिखाती हूँ जो मैं डिज़ाइनर में स्टिचिंग करा आपको सिखा बता रही हूँ कि आप लोग बजाय इतना पैसा खर्च करने के आप घर बैठ के कैसे स्टिचिंग कर अच्छी करवा सकते हैं. ठीक हो गया, इसी तरह ही जो है इसके ब्राइडल मैं आपको अपना दिखा दूँ. ये मेरा ब्राइडल है और इसकी बहुत ज़्यादा टेल है, बहुत खूबसूरत ही मेरा ब्राइडल था. इसकी टेल भी बहुत बड़ी थी, इसका फुल 3 साइड बॉर्डर था, मैं इतना चौड़ा बहुत भारी है. मैं वैसे तो आपको नहीं वो दिखा सकती लेकिन मैं ये कर रही हूँ कि मुझे क्या फ़ायदा हुआ इस पर इन्वेस्ट करने का. तो मैं आप लोगों से ये बात करनी ज़रूरी, ऐसे डिज़ाइन सारे डिज़ाइनर्स ऐसे नहीं होते, इतना रूट स्टाफ, इतना कभी किसी का, हम इलान पे गए, रिपब्लिक पे गए हैं,
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैंने अभी 2 दिन पहले ऑर्डर किया है सारा सलमान से। अच्छा उनको क्या, मैंने उनको कहा कि मैंने ना शर्ट लिया, मैंने कहा मुझे ट्राउजर बना देंगे, कहा हमसे 2000 लेंगे और आपके पैंट बना देंगे। मैंने कहा इसमें 4 स्प्रे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं हम आपको स्प्रे भी कर देंगे, हम आपको जनाब वो काम फिर उस पर कर देंगे, उसी के अंदर ही कर देंगे हम, ठीक है। ये पैसों की बात नहीं, बात ये है कि उनका इतना अच्छा था एक रिलेशनशिप, उन्होंने अपने कस्टमर के साथ इतना अच्छा बिल्ड किया। और दोबारा हम गए तो थोड़ा बहुत चेंज, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं हम कर देंगे। ये होता है जनाब कि आप अपने कस्टमर को किस तरह फैसिलिटेट करते हो। और अब ये देखें कि ये और एक ही, और ये मुझे क्या है, मुझे पहनना है तो मगर मैं नहीं पहन सकती क्योंकि मुझे कोई फ़ायदा वैसे नहीं हुआ ये इतना महंगा जोड़ा ख़रीदने का कि मुझे पहनना भी नहीं होगा। मैं आप लोगों को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आइंदा इस ब्रांड से जो है ना लीजिएगा, कम से कम मैं तो नहीं आइंदा लूँगी। और मैं आप लोग भी कहूँगी कि अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके और फिर जो है ले लें, अगर इनका स्टफ़ अच्छा होता तो क्यों चढ़ता। मैंने कहा चलो यार टिश्यू है काम ज़्यादा है, इस वजह से अगर इनको ये नहीं पता कि टिश्यू कौन से वाला ये यूज़ करेंगे, काम हैवी है तो ये ना चढ़ जाए। ये देखें ये दोनों तरफ से ये है सहार हुआ। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, इनके जो नाग है ना वो काले हो रहे हैं, शायद पता नहीं मेरे कैमरे में ये आ सके या ना आ सके। ये देखें ये मेरे नाक काले हो रहे हैं, लेकिन मैंने कहा चलिए अब वो खैर है, वो ना मुझे करें आप वो सही करके दें, आप बस ऐसा करें आप मुझे यही कर दें, ये आपकी बहुत काइंडनेस होगी अगर आप मुझे अकोमोडेट कर देंगे। उन्होंने कहा जी बहुत रूड भी है, वैसे कोई मारिया नाम की कोई लड़की थी, उन्होंने उनसे मेरी बात हुई और उनकी एक असिस्टेंट थी उनसे बात हुई और बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। आपको यही कहूँगी कि माय एक्सपीरियंस के चैनल में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत इस सफ्यूज ब्रांड के साथ बहुत बुरा रहा है। तो आप को मैं बता रहा हूँ कि ऐसे डिज़ाइनर्स जो हैं जिनका इतना बड़ा नाम है, इन्होंने इस तरह जो है किया, इतनी बदतमीजी फॉन्ट। जब उन्होंने देखा कि मैंने उनको कहा है कि मैंने उनके कमेंट जो है वो अपने जो कमेंट वाला एरिया है उन पर लिखा कि बहुत अपैथेटिक स्टाफ था, रूड स्टाफ था और इन्होंने कोई मेरी हेल्प नहीं की और इन्होंने ऐसे मेरे से बोला है, तो उन्होंने जरा मुझे कहा कि मैंने आपको ऐसे तो नहीं कहा था, वो आगे से ना करेंगे हमने आपको ऐसे तो नहीं कहा था, हमने आपको वैसे तो नहीं कहा था। और अच्छा चलें हम आपको मार्च तक करके देंगे, हम इन्हें छोटे टाइम स्पैन में, हम मार्च तक करेंगे 25,000 रुपया लेंगे, मुझसे मज़ीद 25,000 रुपीज़ चार्ज करेंगे मुझसे ये रफ़ू करने के लिए और इसके लिए, क्योंकि 6 महीने तक का हमारा एग्रीमेंट होता है, 6 महीने तक हम कर नहीं सके तो अब हम 25,000 रुपये आपसे लेंगे और हम आपको कर देंगे। अगर आपको ठीक लगता है ये तो आप हमें जोड़ा हमारे पास भिजवा दीजिएगा, तो वरना नहीं अच्छा लगता तो ठीक है, ये उन्होंने मुझे कहा है मज़ीद।